दिल्ली के भालसवा डेयरी इलाके में भारी बवाल देखने को मिला। यहां हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण गिराने पहुंची एमसीडी के बुलडोजरों को भीड़ ने घेर लिया। लोगों ने अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोग बुलडोजरों के सामने लेट गए। इलाके में बवाल को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। दरअसल ये क्यों हुआ आपको बताते हैं। पिछले गुरुवार को नगर निगम ने भालसवा डेयरी कॉलोनी में अवैध निर्माण को लेकर एक नोटिस जारी किया था। निवासियों को 3 दिन यानी कि सोमवार तक का समय दिया गया था, अगर नहीं हटे तो उनको जबरन हटाया जाएगा। हुआ ऐसा ही। मंगलवार को 3 JCB लेकर पहुंची एमसीडी की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। एमसीडी के बुलडोजरों को लोगों की भीड़ ने घेर लिया और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। मौके पर मौजूद एक शख्स ने एमसीडी की कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि अगर एमसीडी को इन घरों को तोड़ना था तो उस दौरान तोड़ती जब इन घरों का निर्माण नहीं किया जा रहा था। उस वक्त प्रशासन कहा गया था, यहाँ के प्रशासन वाले एक एक लेंटर के 1-2 लाख रुपए लेकर जाते हैं, तोड़ना है तो पहले उनका घर तोड़े। उन्होंने पहले हमसे यहाँ घर बनाने का पैसा लिया। उस वक्त ये पुलिस एमसीडी प्रशासन कहा गया था। आज ये कुछ भ्रष्ट एनजीओ की वजह से हमारे घरों को तोड़ने आए हैं, हम यहाँ तब से हैं जब यहाँ जंगल था। वहीं एक दूसरे व्यक्ति ने कहा कि 80% लोग यहाँ हाउस टैक्स देते हैं और ये दूसरी ओर हमको परेशान कर रहे हैं, हम मर जाएंगे पर इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। गौरतलब है कि सिविल लाइंस डिप्टी कमिश्नर ने बताया था कि भालसवा डेयरी प्लांट्स पर कुछ लोगों ने न केवल अवैध कब्जा जमाया है बल्कि उन्होंने उस पर घर, दुकान, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, फैक्ट्री और गोदाम बिना किसी कानूनी मंजूरी के बना लिए। इससे आसपास काफी गंदगी फैलती है लेकिन डेयरी को एक साफ वातावरण में चलाया जाता है, इसलिए इनका यहां से हटना जरूरी है। दिल्ली पुलिस के जानकारी के मुताबिक खबर मिली है कि लोग बुलडोजर एक्शन का इसलिए भी विरोध कर रहे हैं कि लोगों ने हाईकोर्ट में अपील की थी कि इस मामले पर 16 अगस्त को सुनवाई होने वाली है। वहीं इस पर एमसीडी के वकील ने भी कहा है कि कार्रवाई को 16 अगस्त तक रोक दिया गया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने इस बयान पर गौर करते हुए मामले की सुनवाई 16 अगस्त के लिए स्थगित कर दी है। उस दिन हाईकोर्ट में राष्ट्रीय राजधानी में डेयरियों की स्थिति से जुड़ी याचिका पर सुनवाई होगी।